फर्स्ट ट्रीटमेंट है पंखा का स्लो डाउन हो जाने से, ये कैपेसिटर बदल देना। ठीक है, ये कैपेसिटर बदल देने से 80% काम तो हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ समय ये कैपेसिटर बदलने के बाद भी पंखा स्पीड बढ़ता नहीं है पंखे का, तब आप क्या करोगे? सभी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इन्हीं वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। पहले हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, कॉइल को कट देते हैं साइड। इस कैपेसिटर को हम दोनों तरह के तरह से चेक कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट लाइन में चेक कर सकते हैं, दूसरा सीरीज लाइन में। डायरेक्ट लाइन में चेक करने के लिए हम मना करेंगे इसलिए कि उसमें थोड़ा बहुत परेशानी है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लाइन है ना, इसमें थोड़ा सावधानी बरतने से हम कहेंगे, इसीलिए आप सीरीज में ही चेक कीजिए। सीरीज बोर्ड हमारे पास है, हम ये कैपेसिटर के दोनों वायर को सीरीज में लगा देंगे, ये फ्लैश होने का आवाज़ आएगा आपको, ठीक है। 15-20 सेकंड पकड़ के ये जो दोनों वायर है ये आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा फ्लैश हुआ, ठीक है, ये 100 वाट का बल्ब है इसलिए फ्लैश थोड़ा कम हुआ, 200 वाट होता तो बहुत ज़्यादा होता। और एक बार चेक कर लेते हैं, देखा आपने फ्लैश हुआ, तो ऐसे आप चेक कर पाओगे कैपेसिटर को। और इसमें और एक खास बात, किस किस कोई कोई इलेक्ट्रिशियन को ये समझ में नहीं आता कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है, हालांकि इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर प्लस या फिर माइनस कुछ भी नहीं होता है, इसके जैसे भी आप लगा सकते हो पंखे में। तो आइए अभी पंखे में इसको लगा के देखते हैं। ये आ गया हमारा कॉइल, इसमें देखिए दोस्तों ये 3 लीड निकला है, इसको लीड कहा जाता है, तीनों वायर निकला हुआ है, हालांकि यहाँ से 4 वायर निकलता है। ये रहेगा हमारा स्टार्टिंग कॉइल और ये हो गया हमारा रनिंग कॉइल, ठीक है। दोनों तरह का कॉइल होता है, अंडर वाला जो कॉइल रहता है उसको स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं और बाहर वाला जो रहता है उसको रनिंग कॉइल कहते हैं। दो तो कॉइल से ये जो बाहर वाला रनिंग कॉइल है इसमें से जब वाइंडिंग शुरू होता है, यहाँ से एक वाइंडिंग, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो ये काम आप आसान से कर पाओगे, ठीक है ना। कि जब स्टार्टिंग होता है तो ऐसे ऐसे इसको वायर लगाया जाता है, तो इसका एक एंड पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन का वायर होता है और दूसरा एंड पोजीशन। ये देखिए ये एंड स्टार्टिंग और ये एंड, ठीक है, दोनों वायर निकला हुआ है यहाँ से भी सेम स्टार्टिंग कॉइल में। ये देखिए एक ये स्टार्टिंग कॉइल का एक और ये दूसरा एक, ये दोनों वायर है ना, एक स्टार्टिंग का और रनिंग को लेके एक कॉमन बनाया जाता है। ये आप बाहर से भी कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो। बाहर से करेंगे तो क्या होगा कि ये स्टार्टिंग कॉइल का 2 वायर और ये रनिंग कॉइल का 2 वायर, 4 वायर बाहर निकलेगा, और अंदर से ही कर दोगे तो 3 आएगा, क्योंकि एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का वायर निकल आया है। ये देखिए एक स्टार्टिंग और ये रनिंग का, और ये हमने अलग कर दिए क्योंकि बाहर से कनेक्शन करने में आपको फायदा होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए ये स्टार्टिंग और ये रनिंग को लेके एक डिफरेंट कलर का वायर हमने लगा दिए। अभी आते हैं बारी इसको चेक करने का सीरीज के दौरान। पहले हमें क्या चेक करना है कि ये जो कॉइल है, ये जो स्टेटर है, इसके ऊपर कॉइल वाइंडिंग किया हुआ नया से, ये बॉडी तो नहीं है, मतलब ये बॉडी के साथ कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं है, अगर होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक लीड के साथ बॉडी में लगाओ, पहले बॉडी में बॉडी लगाओ, देखो बल्ब जल रहा है, मतलब ये बॉडी है, बॉडी के साथ एक वायर लगाओ, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा ये भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये कॉमन में हम लगा दिए, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस कॉइल में बॉडी नहीं है। अभी चेक करते हैं इसका कॉइल का, एक कॉमन में हम रख दिए, दूसरा एक लगा दिए, देखिए बल्ब धीमी से जल रहा है, मतलब इसका एक कॉइल ठीक है, दूसरा ये भी ठीक है। ये तो चेक हो गया सीरीज लाइन के दौरान, ऐसे आप पंखे को चेक कर सकते हो। हमारा कैपेसिटर भी चेक हो गया, कॉइल भी चेक हो गया, अभी हम क्या करेंगे मल्टीमीटर के थ्रू चेक करेंगे हम सही। दोस्तों ये रह गया हमारा मल्टीमीटर,
इसको हम इस डायोड के साइन पे हम लगा दिए। देखिए ये जो डायोड साइन है यहाँ पर हमने लगा दिए, यहाँ से आप आराम से चेक कर पाओगे। अगर आपके पास सीरीज लाइन नहीं है तो ऐसे भी आप कर पाओगे, ठीक है। देखो ये जो कॉमन वायर है, मानिए कि ये कॉमन वायर है और हम इसको यहाँ रख देते, डिस्प्ले देखने में आपको सुविधा होगी। हम इसके साथ लगा दिए, ठीक है। देखिए डिस्प्ले में 187 दिखा रहा है। अब इसको छोड़ के दूसरे में लगाते हैं, दूसरे में 237, ठीक है। अभी इस कॉमन को छोड़ के दूसरा जो कैपेसिटर का वायर है, ये दोनों वायर कैपेसिटर का है, एक स्टार्टिंग और ग्राउंडिंग को लेके कैपेसिटर में लगाया जाता है। इन दोनों में लगाएंगे तो देखिए वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, पहले हम जो चेक किए थे उससे भी बहुत ज़्यादा, 423। जो वैल्यू दोनों तारों में ज़्यादा आएगा वही कैपेसिटर का कनेक्शन होगा दोनों तारों में। कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे होते हैं, कुछ तारों से होते हैं, ये समझने का एक अच्छा तरीका हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए कॉमन में एक लगाएं और ये स्टार्टिंग और रनिंग जो भी हो, ठीक है। इसका वैल्यू देखिए 187, दूसरा एक वायर है जो कॉमन, सॉरी स्टार्टिंग और रनिंग होगा, 237 36 ऐसा दिखा रहा है। हम कॉमन को छोड़ के जब ये दोनों वायर में लगाएंगे देखिए वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिन तारों में इस वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा वही कंडेंसर का कनेक्शन होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि कंडेंसर कैसे कनेक्शन करते हैं हम दिखा देते हैं। ये देखिए आपको इन तारों में एक लगाना है जिसमें वैल्यू ज़्यादा आया है, मतलब एक स्टार्टिंग का होगा और एक रनिंग का होगा, और ये जो है ये तो एक स्टार्टिंग और रनिंग का दोनों का अलग हो ही चुका है, ठीक है। ऐसे कनेक्शन होता है, बाहर से हमने दिखा दिए। अभी पंखे में जाते हैं, कंडेंसर को कनेक्शन करके कैसे घूमता है ये भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये आ गए हम दोस्तों दूसरे एक पंखे को लेके, जहां से देखिए कॉइल से तीनों तार निकला हुआ है, एक रेड ब्लू एंड येलो, ठीक है। इनमें से येलो कॉमन वायर है और ये दोनों जो है ये कैपेसिटर के हैं, बिल्कुल वैसे ही चेक करना है जैसे हमने दिखाया, ठीक है। हम इसको इसीलिए दिखा रहे हैं, इसके कैपेसिटर को इधर जोड़ देते हैं। अब इसको चेक कर से करना है कि किस तरफ घूमेगा ये पंखा, तो उल्टा भी घूम सकता है तब क्या होगा। तो पंखा अगर उल्टा कनेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने का प्रोसीजर है। पहले देखिए हम क्या करते हैं, ये सीरीज लाइन ले लिया अपने और ये कॉमन में एक लगाए, कोई भी एक वायर में लगा दीजिए। ये देखिए ये उस तरफ घूम रहा है, मतलब ये उल्टा घूमेगा। आप पंखे को किसी टेबल में बिठा के चेक कर रहे हो तो जिस तरफ पंखा घूम रहा है, मतलब लटकने के बाद पंखा उल्टा तरफ घूमेगा, ये इस तरफ घूम रहा है मतलब पंखा इस तरफ घूमेगा, मतलब ये गलत है। अगर टेबल पे बिठाने के बाद उल्टा घूमे पंखा तो फिर वो सही है, मतलब ये कॉमन में लगा है और ये रेड में दे दिए। देखिए ये पंखा उल्टा घूम रहा है, मतलब लटकने के बाद ये सीधा ही घूमेगा। ये हो गया हमारा चेक। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये कनेक्शन अच्छे तरह से समझ में आ गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, और किन चीज़ों के ऊपर वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए कमेंट करके। और बहुत जल्द हम ये पंखे के ऊपर और भी वीडियो लाएंगे, बियरिंग कैसे लगाना होता है, ये जो सैफ्ट है इसको सैफ्ट कहते हैं, ठीक है, इसको कैसे चेंज करता है, बहुत सारे प्रोसीजर है, हम एक एक करके दिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।